हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। तो आज जो है हम 27 नवंबर 2020 की फर्स्ट शिफ्ट के सभी जीके के क्वेश्चन डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वोन द यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जर्नल एडवोकेट अवार्ड ऑफ द ईयर 2019 का यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? अगर इस अवार्ड की बात करें तो ये अवार्ड केवल महिलाओं को प्रदान किया जाता है। ये यूनाइटेड नेशन की तरफ से केवल किसको प्रदान किया जाता है? महिलाओं को प्रदान किया जाता है जो मिलिट्री में सर्विस देती है और वहां पे शांति बनाए रखती है। तो ये जो पुरस्कार है ये 2019 में किसे प्रदान किया गया? सुमन गोस्वामी को। इनकी ड्यूटी कहां पर थी? इनकी ड्यूटी अलॉट की गई थी साउथ सूडान में। वहां पे इन्होंने शांति के लिए काफी कार्य किए, जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशन ने इनको ये अवार्ड प्रदान किया। बात करें यूनाइटेड नेशन की, तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में होती है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ताकि पूरी विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए इसकी स्थापना की जाती है। इसके एट प्रेजेंट में टोटल मेंबर कितने हैं? 193। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क में। अगर बात करें इसके सेक्रेटरी जनरल की, किसकी सेक्रेटरी जनरल की, तो इनके सेक्रेटरी जनरल अभी हाल में कौन है? एंटोनियो ग्यूटेरस। जो एंटोनियो ग्यूटेरस है वो एक पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री है। कहां के? पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री ने एंटोनियो ग्यूटेरस, जो हाल ही में यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुमन गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अटेम्प्ट कीजिए। आपसे पूछा गया सुप्रीम कोर्ट के किस आर्टिकल को सुप्रीम कोर्ट के तहत, सुप्रीम कोर्ट को बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी फैसले होंगे वो एक रिकॉर्ड की तरह सेव किए जाएंगे और भारत के किसी भी न्यायालय में उनको हम एविडेंस के तौर पर प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 129। अगर बात करें कि सुप्रीम कोर्ट का जिक्र भारत के किस आर्टिकल में दिया गया है, तो 124 आर्टिकल्स में भारतीय जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसका जिक्र किया गया है। अगर बात करें भारत का सुप्रीम कोर्ट किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत स्थापित किया गया था, तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वहां पे कलकत्ता में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। आजाद भारत में सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली में स्थित है और इसके टोटल जस्टिस की बात करें तो इसके टोटल जस्टिस होते हैं कितने? 34, जिसमें 33 आपके जस्टिस होते हैं और एक आपका चीफ जस्टिस होता है। इन नंबर्स को चेंज करने का अधिकार केवल किसको है? पार्लियामेंट को। तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा? 129, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को रिकॉर्ड कहा गया है। एक आर्टिकल आपसे पूछा जाता है कि आर्टिकल 143 में क्या है, तो आर्टिकल 143 में क्या है? जो प्रेसिडेंट, जो हमारा राष्ट्रपति है, वो संविधान के लिए, संविधान को बरकरार रखने के लिए या किसी भी फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32 के तहत हमें हमारे मौलिक अधिकारों को संरक्षित करने का अधिकार हमें प्रदान करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 129। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान के
दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं उनका वेतन निर्धारित किया जाता है आर्टिकल नंबर 106 के तहत। तो कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि स्वयं संसद ही जो है जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं उनका वेतन निर्धारित करती है। अगर पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट के तीन पार्ट्स होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक प्रेसिडेंट राष्ट्रपति। इन तीन मिला के इंडियन पार्लियामेंट का निर्माण होता है। अगर लोकसभा की बात करें तो आर्टिकल नंबर 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है, आर्टिकल नंबर 80 में जो है राज्यसभा के बारे में बताया गया है, और आर्टिकल नंबर 52 में जो है राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। और पूरी पार्लियामेंट के बारे में बताने के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 79। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पार्लियामेंट। बताओ इसका आंसर। आपसे पूछा कि कोई भी सेंट्रल बैंक जब किसी कमर्शियल बैंक से पैसे वापस लेता है तो किस रेट पे लेता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिवर्स रेपो रेट। क्या हो जाएगा? रिवर्स रेपो रेट। जैसे हमारे देश में एक सेंट्रल बैंक है जिसको हम बोलते हैं आरबीआई, तो आरबीआई जब किसी बैंक को पैसे देगा तो किस रेट पे देगा? रेपो रेट पे देगा। लेकिन जब उन्हीं बैंकों से आरबीआई पैसा चाहिए तो किस रेट पे लेगा? रिवर्स रेपो रेट। और करंट में आप बता सकते हो रेपो रेट कितनी है और रिवर्स रेपो रेट कितनी है? तो रेपो रेट फिलहाल चल रही है 3.35%। कितनी है रेपो रेट? 3.35%। और रिवर्स रेपो रेट है 6.5%। 6.5%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिवर्स रेपो रेट। आपसे पूछा कि जो सिबिल है वो किससे रिलेटेड है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बैंकिंग सेक्टर। आप देखते हो जब भी आप कोई लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाता है। तो सिबिल स्कोर में क्या चेक किया जाता है? कि पीछे पास्ट में आपने जितने भी लोन लिए हैं उनको आपने पूरा किया या नहीं किया, या आप पे कोई बकाया है तो उससे आपका सिबिल स्कोर डाउन हो सकता है, तो फिर आपको जो लोन अमाउंट है वो कम मिलेगा। तो जो सिबिल एजेंसी है वो किस सेक्टर से रिलेटेड है? आपकी बैंकिंग सेक्टर से। दो हजार बीस तक इनमें से किसको रमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला है? परसों जब मैं आपको क्लास दे रहा था तो मैंने आपको बताया था अरविंद केजरीवाल को एक पुरस्कार मिला था, तो वो कौन सा पुरस्कार था? रमन मैग्सेसे पुरस्कार था। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा कि 2020 तक इनमें से किसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला है, तो इसका आंसर क्या होगा? प्रशांत भूषण। इसको जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला। एक भारत के जाने माने वकील है जो कि आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। किरण बेदी को आप जानते ही होंगे, तिहाड़ जेल की आईजी रह चुकी और भारत की पहली आईपीएस महिला है। इनको 1994 में ये पुरस्कार मिला था, 1994 में। अरविंद केजरीवाल जो एट प्रेजेंट दिल्ली के सीएम है उनको ये प्राइज 2006 में मिला था, और अरुण शौरी को ये प्राइज 1982 में मिला था। तो प्रशांत भूषण को अब तक ये प्राइज नहीं मिला है। ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार आप किसी भी फील्ड में सामाजिक सेवा अच्छे से करते हो तो ये पुरस्कार आपको दिया जाता है। ये पुरस्कार 1957 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1957 में। ये फिलीपींस का अवार्ड है। किस देश का अवार्ड है? फिलीपींस का। और इस अवार्ड को एशिया का नोबेल प्राइज कहते हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। तो अब तक किसको नहीं मिला है? ये प्रशांत भूषण को। अगर एट प्रेजेंट आपसे ये बात करे कि 2023 का रमन मैग्सेसे किसे दिया गया, 2023 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया, तो आपका आंसर होगा रवि कन्नन। क्या आंसर होगा? रवि कन्नन। अब इनको ये क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने गरीबों के लिए शिक्षा, रोजगार और उनको खाने पीने की सारी सुविधाएं इस फील्ड में काफी
अच्छा कार्य किया है, इसलिए रवि कन्नन को 2023 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रशांत भूषण। ये सारे किस चीज के नाम है, बेवर, दैया, पोडू, ये शब्द किससे रिलेटेड है? तो ये आपके सारे किससे रिलेटेड है, परमिटिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन, यानी कि फसल की आदिम प्रक्रिया। आदिम मतलब कोई भी जब ये कृषि को दोहराता है तो वो केवल अपने गुजारे के लिए करता है। जैसे जो छोटे किसान है केवल अपने खाने के लिए एक छोटी फसल, एक छोटे जो लैंड होता है उसको कल्टीवेट करते हैं। कुछ समय बाद जैसे वो वहां पे कल्टीवेशन नहीं कर पाते, क्योंकि जैसे जैसे कल्टीवेशन करते हैं मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम हो जाती है, तो फिर किसी और खेत को या किसी और लैंड को वो साफ करके वहां पे कृषि करते हैं। तो इस टाइप की कृषियों को बोला जाता है परमिटिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन। जनरली ये जो बेवर और दहिया कृषि है ये एमपी में की जाती है, कहाँ पे की जाती है, और ये जो पोडू है ये आंध्र प्रदेश में करी जाती है, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, परमिटिटिव, मतलब एक कम क्षेत्र में जो है अपने केवल निर्वाह के लिए कृषि करना, बिजनेस के लिए नहीं करना, केवल किसके लिए, अपने गुजारे के लिए कृषि करना। तो उस टाइप के प्रकार है आपके खेती के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कौन से शिलालेख में लिखा हुआ है कि सुदर्शन झील की रिपेयरिंग हुई थी, यानी कि इसकी मरम्मत का कार्य हुआ था? तो सुदर्शन जो झील है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी। ये कहां पर है, ये सौराष्ट्र में है। कहां पर है, सौराष्ट्र गुजरात में है। ये गिरनार पर्वत के ऊपर है। कौन से पर्वत के ऊपर, गिरनार पर्वत के ऊपर। तो इसमें जो था पानी का ओवरफ्लो होने के कारण ये इस झील को काफी नुकसान हो गया था। तो राजा रुद्रदमन, किसने, राजा रुद्रदमन ने जो है इसकी रिपेयरिंग करवाई थी। तो जूनागढ़ के शिलालेख पे इन सब चीजों के बारे में लिखा हुआ है। इस शिलालेख में टोटल 20 लाइनें हैं। कितनी लाइनें हैं, 20 लाइनें। 8 लाइनों में तो ये इसके मैनेजमेंट के बारे में लिखा हुआ है कि इस झील का मैनेजमेंट, पानी का मैनेजमेंट कैसे कैसे किया जाता था, कहाँ कहाँ पे इसको सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता था। और जो 12 लाइनें बच गई उसमें राजा रुद्रदमन के बारे में लिखा हुआ है। तो ये कौन सा शिलालेख है, जूनागढ़ शिलालेख, और किसका, राजा रुद्रदमन का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर बताओ, तो जो बरना परिचय पुस्तक है, बरना परिचय, ये पुस्तक किसकी है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा के लिए काफी काम किया है। इन्होंने एक अधिनियम पारित करवाया था, हिंदू विधवा पुनर्विवाह, यानी कि जो हिंदू महिलाएं थी और जो विधवा हो चुकी थी उनके दोबारा विवाह के लिए 1856 में इन्होंने ये अधिनियम पारित करवाया था। और 1856 में भारत के जनरल, गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड डलोजी। कौन थे, लॉर्ड डलोजी। तो उस टाइम पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बहुत हाथ रहा है इसके पीछे। उन्होंने कौन सा अधिनियम पारित करवाया था, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताओ। आपसे पूछा दो चैंबर का हार्ट इनमें से किसका होता है, ये एक मछली का नाम है। तो फिश में कितने चैंबर पाए जाते हैं, दो चैंबर होते हैं, एक ओरिकल होता है, एक वेंट्रिकल होता है, एक निलय होता है, एक आलिंद होता है। बात करें ह्यूमंस की या फिर मैमल्स की या बर्ड की, इनका जो हार्ट होता है वो कितने चैंबर का होता है, 4 चैंबर का होता है। और रेप्टाइल्स और एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस, इनका हार्ट कितने चैंबर का होता है, 3 चैंबर का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
स्कोलियोडोन, क्योंकि स्कोलियोडोन एक किसका नाम है, एक फिश का नाम है। मई 2020 में, ठीक है, इन ये एक्सपायर हो गए थे। इनका नाम है क्या, देवेश रॉय। तो इनको क्या मिला था, साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था, साहित्य अकेडमी पुरस्कार। और ये किस भाषा के लेखक थे, बंगाली भाषा के। बात करें साहित्य अकेडमी पुरस्कार की, तो 1955 से ये भारत के अंदर दिया जाता है। कब से, 1955 से ये भारत के अंदर दिया जाता है। और ये 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है, कितनी लैंग्वेजेस में, ठीक है। और बात करें 2023 का, तो आपको मैं दो बता देता हूं, एक इंग्लिश का और एक हिंदी का। तो इंग्लिश का दो लोगों को मिला है, एक मिला है अनिरुद्ध शेट्टी को और एक मिला है सुधा मूर्ति को। और हिंदी का मिला है अतुल राय को। किसको मिला है, अतुल राय को। तो दो नाम आपको ये याद रखने हैं, इंग्लिश का किसको मिला है, अनिरुद्ध शेट्टी एंड सुधा मूर्ति, और हिंदी का किसको मिला है, अतुल राय को। आपसे पूछा 2020 में मूडीज ने भारत की जीडीपी के बारे में क्या अनुमान लगाया था, तो इस क्वेश्चन को 2020 ना बना के कितना बना देते हैं, 2023। तो मूडीज ने 2023 में भारत की जीडीपी कितनी रहेगी, तो कितना अनुमान लगाया है, 6.67%। कितना, 6.67% की 2023 के अंदर भारत की जीडीपी इतनी रहने वाली है। तो इसका आंसर तो कुछ नहीं होगा, इसका आंसर 2023 वाला याद रखना आप। आपसे पूछा धामेक स्तूप कहां पर है, तो धामेक स्तूप कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। कहां पर है ये, कहां पर है, सारनाथ में। और सारनाथ किसके नजदीक है, वाराणसी के नजदीक है। किसके नजदीक है, वाराणसी। इस स्तूप को बनाने वाले कौन थे, अशोक, मौर्य वंश के शासक कौन, अशोक। बात करें अशोक की, तो अशोक ने बहुत सारे शिलालेखों का निर्माण करवाया। इसके प्रमुख 14 शिलालेख है। कितने शिलालेख है, जब कलिंग युद्ध का जिक्र किस शिलालेख में है, तो 13वें में किसका जिक्र है, कलिंग युद्ध का। और इस कलिंग युद्ध के बाद इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। किस गुरु से अपनाया था, उपगुप्त से। इसको बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे मिली थी, उपगुप्त से मिली थी। और बात करें इसी के टाइम पे तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी, कहां पे, पाटलिपुत्र में। और जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी, मोगलीपुत्र तिस ने। किसने अध्यक्षता करी थी, मोगलीपुत्र तिस ने। समझ में आई बात, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। इसका आंसर बताओ, चुन्नी गोस्वामी एक फुटबॉलर है, लेकिन फुटबॉलर के साथ साथ रहते हुए ये फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी थे। बंगाल की तरफ से ये खेलते थे, रणजी ट्रॉफी इन्होंने खेली है। तो फुटबॉलर के साथ साथ ये क्या थे, एक क्रिकेटर भी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर बताओ, आपसे पूछा कि अगस्त ऑफर जब आया था तो उस टाइम वॉइसराय कौन था, तो उस टाइम वॉइसराय कौन था, लॉर्ड लिनलिथगो। तो अगस्त ऑफर में क्या कहा गया था, अगस्त ऑफर में किस बात का जिक्र किया गया था, तो अगस्त ऑफर में ये बताया गया था कि भाई आप हमारा द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दो, है ना, तो जो संविधान है वो हम आपके अकॉर्डिंग बनाएंगे, यानी कि भारत के अनुसार जो है संविधान का निर्माण किया जाएगा। लेकिन इस प्रस्ताव को सभी ने ठुकरा दिया, कांग्रेस ने भी ठुकरा दिया और मुस्लिम लीग ने भी ठुकरा दिया। मुस्लिम लीग ने क्यों ठुकरा दिया, क्योंकि उसको लगता था ये हमें वो बताएंगे कि आपको पाकिस्तान मिलेगा, लेकिन इस टाइप का कोई ऑफर नहीं किया गया। तो मुस्लिम लीग ने भी जो है ये ऑफर ठुकरा दिया। बात करें लिनलिथगो, तो क्रिप्स मिशन भी इसी के टाइम पे आया था, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन,
वो भी इसी के टाइम पे हुआ था, ठीक है। और चेम्सफोर्ड के टाइम पे एक बड़ी घटना हुई थी, कौन सी बता सकते हो? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, है ना। और रीडिंग के टाइम पे क्या हुआ था? चोरा चोरी की घटना हुई थी। किसकी घटना हुई थी? चोरा चोरी की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिलित को। इसका आंसर बताओ। आपसे पूछा कि जो ह्यूमन का नर्वस सिस्टम होता है तो उसमें से कौन न्यूरॉन्स का कौन सा पार्ट जो है किसी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, तो आपने पता है कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम का सबसे छोटी इकाई स्ट्रक्चर यूनिट क्या होती है? न्यूरॉन्स होती है। तो इसके मेनली तीन पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? तीन पार्ट। एक होता है सेल बॉडी, एक होता है एक्सन और एक होता है डेंड्राइट। क्या होता है? डेंड्राइट। तो जो डेंड्राइट है वो लास्ट वाला पार्ट होता है और अगले न्यूरॉन्स को जोड़ने का काम करता है, अपने साथ अगले न्यूरॉन्स को जोड़ने का काम करता है। तो इंफॉर्मेशन को पास कौन कर रहा है? डेंड्राइट ही कर रहा है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर बताओ। आपसे पूछा दैमाबाद कहां पर है? दैमाबाद कहां पर है? तो दैमाबाद कहां पर है? महाराष्ट्र में। किस नदी के किनारे है? परावरा रिवर के। किस नदी के किनारे है? परावरा। अगर आपसे ये पूछे कि भाई सबसे नॉर्थ की साइड बताओ, हड़प्पा की, साउथ की बताओ, ईस्ट की बताओ और वेस्ट की बताओ, तो अगर आपसे नॉर्थ की पूछे तो आप आंसर होगा मांडा, जो कि कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। अगर आपसे साउथ की पूछे तो अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया वही आंसर होगा, दैमाबाद कहां पर है? महाराष्ट्र में। और सबसे ईस्ट की पूछे, आलमगीर, और ये कहां पर है? यूपी में। और सबसे वेस्ट की साइड पूछे तो कैंडर, ये कहां पर है? बलूचिस्तान में। कहां पर है? बलूचिस्तान में। हाँ, आज का अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये चारों साइट आपको पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। इसका आंसर बताओ। आपसे पूछा कि जो चोरी चोरा की घटना हुई थी वो किस प्रांत में हुई थी, तो वो किस प्रांत में हुई थी? यूनाइटेड प्रोविनेंस। आज के टाइम का क्या है ये? उत्तर प्रदेश। और ये घटना कहां पर हुई थी? गोरखपुर में। कहां पे हुई थी ये घटना? गोरखपुर में। गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था, ठीक है, लेकिन कुछ उपद्रवियों ने गोरखपुर में एक पुलिस चौकी में आग लगा दी जिसमें 23 पुलिस वाले प्लस 3 नागरिक जल गए, ठीक है। इसी घटना को वायलेंस करार देते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ये घटना हुई थी 4 फरवरी को 1922 और 12 फरवरी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूनाइटेड प्रोविनेंस। आपसे पूछा किस फसल की खेती मुख्य रूप से भारत के दक्षिण राज्यों में होती है, तो सबसे ज्यादा दक्षिण राज्यों में क्या उगाई जाती है? कॉफी। और कॉफी उगाने में सबसे टॉप पर कौन है? कर्नाटक, ठीक है। और चाय में कौन है? और बैम्बू में? बैम्बू में भी कौन है? असम। और कॉटन में? गुजरात। सबसे ज्यादा कॉटन का प्रोडक्शन कौन सा स्टेट करता है? गुजरात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कॉफी।
आपसे पूछा है कि 1946 में जो अंतरिम सरकार बनाई गई थी उसमें रक्षा मंत्री के तौर पे कौन थे, तो रक्षा मंत्री के तौर पे कौन थे, बलदेव सिंह। सी राज गोपालचारी शिक्षा मंत्री थे अंतरिम सरकार में, सी राज गोपालचारी अंतरिम सरकार में क्या थे, शिक्षा मंत्री थे। भाई वल्लभ भाई पटेल देश के क्या थे, गृह मंत्री थे। और आसफ अली जो है रेलवे मिनिस्टर थे, कौन थे, लेबर मिनिस्टर कौन थे, बाबू जगजीवन राम, कौन थे, बाबू जगजीवन राम, ठीक है। और कानून मंत्री कौन थे, बी आर अम्बेडकर। कानून मंत्री कौन थे, बी आर अम्बेडकर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बलदेव सिंह। रक्षा मंत्री कौन थे, बलदेव सिंह। टेस्ट रैंकिंग के बारे में पूछा है, लेकिन 2020 का क्वेश्चन है, इसको किसका बना लेते हैं, 2023 का, ठीक है। अगर आपसे टेस्ट रैंकिंग का कोई भी क्वेश्चन आए कि नंबर वन टेस्ट टीम, नंबर वन ओडीआई टीम और नंबर वन T20 टीम, तीनों का आंसर क्या होगा, इंडिया। क्या आंसर होगा, इंडिया। अगर आपसे पूछे ओडीआई T20 और टेस्ट, इसमें नंबर वन बैट्समैन कौन है फिलहाल वन रैंक, तो ओडीआई में बाबर आजम, कहां के प्लेयर है, पाकिस्तान के। टेस्ट में केन विलियमसन, ये कहां के प्लेयर है, न्यूजीलैंड के। और T20 में SKY सूर्य कुमार यादव, ये कहां के प्लेयर है, भारत के। तो ये लेटेस्ट डाटा है, ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर लेटेस्ट ही याद रखोगे आप, ठीक है। सभी में नंबर वन टीम कौन सी आपकी, कोई बात नहीं, हम फर्स्ट बता रहे हैं, है वो पता नहीं भाई, 2020 का डाटा है वो, अभी ऑस्ट्रेलिया है। आपसे पूछा साइमन कमीशन भारत कब आया, तो साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1928 में। तो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में यह कमीशन भारत आया था, इसलिए इसका नाम क्या है, साइमन कमीशन। लेकिन इस कमीशन में कोई भी भारतीय ना होने के कारण इसका काफी विरोध हुआ, और इसके विरोध प्रदर्शन में लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी। किसकी, लाला राजपत राय की लाठियों की वजह से मृत्यु हो गई थी, क्योंकि ये उस साइमन कमीशन के विरोध में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो इसका आंसर क्या होगा, 1928। इसका आंसर बताओ। आपसे पूछा कौन सी जेनेटिकली मॉडिफाई वैरायटी हम भारत में उगा सकते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाई का मतलब ये है कि कुछ विदेशी जीन मिला के एक नई फसल बनाई जाती है, तो हम कॉटन उगा सकते हैं। कौन सा, कॉटन। और इसका नाम बोलते हैं बीटी कॉटन। कौन सा कॉटन, बीटी कॉटन। इसमें बैसिलस जीन होते हैं, कौन से जीन होते हैं, बैसिलस जीन होते हैं। तो इसको हम बीटी कॉटन उगा सकते हैं भारत के अंदर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कॉटन। पीएम स्वनिधि योजना के बारे में पूछा गया है, तो पीएम स्वनिधि योजना किसके लिए लेके आए थे, स्ट्रीट वेंडर के लिए। लॉकडाउन के दौरान जो भी रेहड़ी पटरी वाले थे, जिनका रोजगार चला गया था, उनको 10,000 तक का लोन दिया गया, ठीक है, ताकि वो अपना व्यापार फिर से शुरू कर सके। और ये योजना जो है 2022 तक थी, लेकिन इसको बढ़ा के 2024 तक कर दिया गया, 2020 में ये योजना आई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रीट वेंडर। भाई दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है, दिल्ली के बारे में तो क्वेश्चन आएगा ही। आपसे पूछा है कि 1993 में पहले मुख्यमंत्री दिल्ली के, तो इसका आंसर क्या होगा, मदन लाल खुराना। मदन लाल खुराना के बाद कौन बने थे, साहिब सिंह वर्मा। कौन बने थे,
ये रहे थे 93 से लेके 96 तक, ये रहे थे 96 से लेके 1998 तक। उसके बाद 52 दिन के लिए बनी थी सुषमा स्वराज। कौन बनी थी? ये केवल 50-52 दिन के लिए बनी थी। उसके बाद 1998 से लेके 2003 तक कौन थी? शीला दीक्षित। फिर 3 से 8 और 8 से 13, यानी कि 15 साल जो है शीला दीक्षित सीएम रही। और उसके बाद 2014 से लेके अब तक कौन सीएम है? अरविंद केजरीवाल। अगर बात ये तो 93 की थी, लेकिन दिल्ली 93 में एनसीटी घोषित की गई, उससे पहले 1952 में भी दिल्ली के इलेक्शन हुए थे। तो उस टाइम पे सबसे पहले दिल्ली का सीएम कौन बना था पता है? चौधरी ब्रह्म प्रकाश। कौन बना था? चौधरी ब्रह्म प्रकाश। और ये ब्रह्म प्रकाश जी किस विधानसभा क्षेत्र से आते थे? तो ये नांगलोई जाट विधानसभा क्षेत्र से आते थे। कहाँ के एमएलए थे ये? नांगलोई जाट के। तो ये पहले मुख्यमंत्री बने थे दिल्ली में 1952 में। फिर उसके बाद 1956 में दिल्ली को यूटी बना दिया गया और वहां से फिर कोई भी इलेक्शन नहीं हुए। 93 में फिर से दिल्ली को एनसीटी नेशनल कैपिटल डायरेक्ट घोषित किया गया और यहाँ पे विधानसभा का गठन किया गया। तब पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? मदन लाल खुराना, जो कि भाजपा पार्टी से थे। ये दिल्ली के ही थे भाई, कंस्टिट्यूएंसी नाम याद नहीं रख रहे, तो वैसे बता रहा हूँ क्योंकि हम नांगलोई में बैठे हैं इसलिए बताया। इसका आंसर बताओ। चित्रकूट, चित्रकूट आपको वाटरफॉल के बारे में पूछा, जो कि किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर है। और ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती नदी जो है महानदी की ट्रिब्यूटरी है। किस नदी की ट्रिब्यूटरी है? महानदी की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। आपसे पूछा है इसमें से कौन सा बीच अरब सागर पे नहीं है? आपको पता है कुछ बंगाल की खाड़ी लगती है, इधर क्या लगता है? अरब सागर। तो कौन सा बीच अरब सागर पे नहीं है, ये पूछा है। ये जो कोवलम बीच है ये कहाँ का है? ये केरला का है। कहाँ का है? केरला का। और ये गोवा का, ठीक है। और ये भी किसका है? केरला का। और ये जो राधानगर बीच है ना, ये अंडमान निकोबार का है। किसका है? अंडमान एंड निकोबार का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राधानगर बीच, जो कि कहाँ का है? अंडमान एंड निकोबार का। इंडियन इकोनॉमी में लिक्विडिटी मैनेज कौन करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? आरबीआई। लिक्विडिटी का मतलब है कि इकोनॉमी तरलता बनी रहे, ना महंगाई बढ़े ना बेरोजगारी बढ़े, ठीक है। तो उसके लिए अपनी मॉनेटरी पॉलिसी लेके आते हैं। रेपो रेट तय की जाती है, रिवर्स रेपो रेट तय की जाती है, बेस रेट तय की जाती है। तो उस मॉनेटरी पॉलिसी को कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आपसे पूछा पालकुट जो फेस्टिवल है वो कहाँ का है? तो एक फसल का उत्सव है जो कि कहाँ पे मनाया जाता है? मिजोरम में। मिजोरम का एक फेस्टिवल और है, ये भी पूछा जाता है। तो दो फेस्टिवल याद रखना, पालकुट और चापचारकुट। ये भी कहाँ का है? मिजोरम का। तो आपसे पूछा कि एनारोबिक, जब ईस्ट के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है? तो आपको पता है रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, एक एरोबिक एक एनारोबिक। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो एरोबिक, और अनुपस्थिति में होता है तो। तो जब ईस्ट के अंदर ये होता है तो कौन से प्रोडक्ट बनते हैं? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। और अगर यही मात्रा शरीर में हो जाए तो इथेनॉल की जगह क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। तो
अगर आप बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज कर लेते हो तो आपके पैरों में ऐंठन आ जाती है, वो किस वजह से आ जाती है, लैक्टिक एसिड की वजह से, क्योंकि जितनी ऑक्सीजन